तो लो भाई, डीडी फ्रिज पर एक बार फिर से नए चैनल्स के लिए ई ऑक्शन होने जा रही है। जी हाँ, 78, 79, 18 सभी ई ऑक्शन फेल्ड रही। इस बार भी पता नहीं क्या होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आज 14 अगस्त को 81 ई ऑक्शन की घोषणा कर दी गई है, जो कि MPG 2 के लिए होने जा रही है। अभी पहले जो ई ऑक्शन हुई थी वो जुलाई के लास्ट वीक में हुई थी, जहां पर चैनल 1 अगस्त से ऐड हो जाने चाहिए थे। 24 जुलाई को शायद वो ई ऑक्शन रखी गई थी। इससे पहले 16 जुलाई को MPG 2 की रखी गई थी, फिर उसका MPG 4 के साथ ज्वाइन कर दिया गया था। दोनों की तो फेल रही थी, 1 अगस्त को चैनल ऐड होने थे, ख़त्म। ठीक है, और इस बार दोस्तों यहाँ पर नए चैनल आप लोगों को सितंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे। जो ई ऑक्शन होगी वो इसी मंथ रखी गई है भाई, इसी मंथ 28 अगस्त को रखी गई है। और 81 ई ऑक्शन है, MPG 2 के लिए ई ऑक्शन है ये। जो भी ब्रॉडकास्टर पार्टिसिपेट करना चाहता है 27 अगस्त 2:30 बजे तक अपनी अपनी एप्लीकेशन प्रसार भारती को दे सकता है। 28 अगस्त को ई ऑक्शन होगी, और जो भी चैनल यहाँ पर स्लॉट वॉन कर लेंगे वो ऐड होंगे भाई 5 सितंबर को। 5 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक आप लोगों को डीडी फ्रिज के MPG 2 सेटअप बॉक्स में देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि कितने स्लॉट डीडी फ्रिज के MPG 2 सेटअप बॉक्स में खाली हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहले एक PLTV खाली था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा जो एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल धमाल TV था, वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और एक रापचिक जो कि भोजपुरी फिल्मों का चैनल था, वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो टोटल 3 स्लॉट खाली पड़े हैं भाई MPG 2 में। और इस बार भी मैं प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो प्राइजेस वही हाई हैं। ठीक है, हाई प्राइजेस हैं उसी तरह। पिछली बार चलिए 14-15 करोड़ जो है हाईएस्ट प्राइस था, बिड वैल्यू प्राइस था जनरल एंटरटेनमेंट ए कैटेगरी के लिए, और जो लास्ट कैटेगरी R1 है उसके लिए 9 करोड़ समथिंग रखा गया था। तो मतलब अभी इन प्राइसेस में जरूर थोड़ा बहुत प्राइस कम हुआ है। जैसे कि बकेट ए के लिए जो जनरल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी है वो 12 करोड़ 10 लाख 96 हज़ार से स्टार्ट हो रही है भाई। ठीक है, बाकी उसके बाद बकेट सी की कैटेगरी को दिया गया है, जो कि एक न्यूज़ की कैटेगरी है, न्यूज चैनल यहाँ पर आएंगे, उससे कम वैल्यू उसको दी गई है। उसके बाद है ए, और फिर है डी, और फिर है बी। ठीक है, इनके जो बिड प्राइस हैं लगभग 10 करोड़ समथिंग से स्टार्ट होने जा रहे हैं। किसी का 10 करोड़ 79 से, कोई 10 करोड़ 42 से है, तो कोई 31 से है, तो कोई 10 करोड़ 25 लाख से शुरू है। इस तरह शुरू है भाई, मतलब ये कैटेगरी। और लास्ट में जो बचती है बकेट R1, उसका प्राइस रखा गया है 7 करोड़ 57 लाख। मतलब अब 7 करोड़ पर आ चुका है बकेट R1, जो कि पहले 9 करोड़ समथिंग था। तो भाई कोई कम प्राइस नहीं है। अब आप लोग अंदाजा खुद लगा सकते हैं, पहले जहां चैनल 1 अगस्त को ऐड होने थे अब 5 सितंबर को ऐड होंगे। तो मतलब जो 1 महीना कम हुआ है, उसी वजह से जो ये 2 करोड़ प्राइस कम हुए हैं ना, तो उसी वजह से इन 2 करोड़ का जो है प्राइस कम कर लीजिए। बिड वैल्यू प्राइस जो 2 करोड़ कम हुआ है, 1 महीना कम होने की वजह से हुआ है। अगर यही ई ऑक्शन दिसंबर में होती तो यहाँ पर बिड प्राइस और कम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए अगर मार्च तक, 31 मार्च तक जो है मंथ्स कम रहेंगे, तो उसी हिसाब से प्राइजेस भी कम ही होने हैं। ठीक है, लेकिन 2 करोड़ का ही फर्क पाया है सिर्फ, प्रसार भारती ने कोई ज़्यादा फर्क नहीं लगा है। मतलब अगर देखें तो अभी भी काफ़ी कॉस्टली है, अभी भी काफ़ी हाई बिड प्राइस रखा है भाई प्रसार भारती ने। मतलब जनरल एंटरटेनमेंट चैनल तो 12 करोड़ 10 लाख से कम में, 13 करोड़ से मतलब कम में स्लॉट जीत ही नहीं सकता है। 12 करोड़ 10 लाख 96 हज़ार से स्टार्टिंग है अगर कोई जनरल एंटरटेनमेंट चैनल डीडी फ्रिज पर आना चाहता है तो, और वो भी सिर्फ 31 मार्च तक। मतलब सितंबर से लगा लीजिए भाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 4 महीने ये हैं, और 3 महीने आगे, 7 मंथ के लिए सिर्फ भाई, सिर्फ 7 मंथ के लिए 12 करोड़ से ज़्यादा, 13 करोड़ लगभग देना पड़ेगा। जब अगर वो एनुअल ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इतना प्राइस ही एनुअल ई ऑक्शन में जीत जाते हैं भाई। वो एनुअल प्राइजेज भी आप लोगों ने देखे होंगे, 17 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ में इन्होंने स्लॉट जीते हुए हैं भाई। तो अगर इतना प्राइस अब 7 महीने के लिए देना पड़ जाए तो हर कोई ब्रॉडकास्टर पीछे हट जाता है। तो देखते हैं भाई इस बार की ई ऑक्शन कैसी रहती है। ये 5 सितंबर को कोई चैनल आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, 28 अगस्त की ऑक्शन सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अपडेट रही थी दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर। धन्यवाद।